श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज का टॉपिक हमारा है लो बैक पेन। लो बैक पेन पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डायग्नोस लो बैक पेन। बैक पेन बेसिक बैक पेन पे बात कर लेंगे, राइट। और साथ ही हम अभी शुरू कर लेते हैं हमारा, एक बार देख लेते हैं आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। साथ ही साथ लो बैक पेन पे राइट, तो आवाज बिल्कुल सही आ रही है और पहला सवाल भी आ चुका है अमनदीप कौर जी का। सो सवाल तो हम लेंगे, दैट इज देयर, बट देन बात आ रही है लो बैक पेन की। तो लो बैक पेन क्यों हो सकता है? देखिए बात ऐसी है, आपको मुझे हर एक इंसान को लो बैक पेन होना ही है। सत श्री अकाल सबको, सलाम नमस्ते आदाब। और लो बैक पेन हर एक को होना ही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सबको होगा, राइट। सो इसीलिए लो बैक पेन के बारे में जानना अति आवश्यक है कि वो क्यों होता है। नंबर वन ये याद रखना जरूरी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लो बैक पेन, या आप लो या अपर बैक पेन ले लो कोई बात नहीं। बैक पेन दो टाइप होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है एकदम इमीडिएट शुरू हुआ है, एकदम सडनली शुरू हुआ है और थोड़े दिनों से, एक आध घंटे से, एक आध दिन से है और बहुत तेज है, या थोड़े दिन से, एक आध घंटे से। क्रोनिक मतलब होता रहता है बीच बीच में, क्रोनिक का मतलब लंबे समय से हो रहा है, कुछ हफ्तों से है, कुछ महीनों से, कुछ सालों से है। सो एक्यूट और क्रोनिक में मेन फर्क क्या है? एक्यूट में ज्यादातर केसेस में वहां पर इंजरीज, चोट लगना, गिर जाना, कुछ अलग अलग तरीके से भार उठा लेना, ऐसी चीजें इन्वॉल्व होती है। क्रोनिक अपने आप में अलग ही डेफिनेशन बात हो जाती है, और उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि बैक में है क्या, राइट। बैक में ऐसी क्या चीज है? ऑब्वियसली आपके दिमाग से निकलती है, आपकी एक रीढ़ की हड्डी है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बीचों बीच दिमाग का एक हिस्सा जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में दिमाग का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और उसके आसपास जो है एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। वो वर्टिब्रल कॉलम में जॉइंट्स होते हैं और उस जॉइंट में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। ये डिस्क के हर एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में से फोरामेंस होते हैं और वहां से नसें निकलती हैं जो लिटरली आपके शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। आपके यहां से गर्दन से नसें निकलती हैं हाथ को कंट्रोल करने के लिए, छाती से गर्दन, यहां से नसें निकलती हैं हार्ट को, लंग को, हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए, एब्डोमिन, इंटेस्टाइंस को कंट्रोल करने के लिए, और सबसे नीचे लोअर बैक में L4 L5 जो लंबर रीजन है एक, वो वहां से निकलती है पैरों के लिए। अब L बात आई तो वहां पर रीजन्स की भी बात कर लेते हैं। C सर्वाइकल वर्टिब्रा है, T फॉर थोरैसिक वर्टिब्रा है, L फॉर लंबर वर्टिब्रा है, S फॉर सैक्रम है, और C फॉर कॉक्सिक्स है। कॉक्सिक्स सबसे आखिरी का एक टेल बोन वाला पार्ट है। सैक्रम सारे फ्यूज्ड है, लंबर के 5 है, थोरैसिक के 12 है, C सर्वाइकल के 7 है। ये वर्टिब्रल कॉलम से वर्टिब्राज है। हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है और वहां से हर एक जगह पे एक लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है। भगवान ने दिए गया एक रेंज ऑफ मोशन होता है, किसी का कम, किसी का थोड़ा ज्यादा, और वो आप फ्लेक्सिबिलिटी से ऊपर नीचे कर सकते हैं उम्र के साथ। और साथ ही एक पर्टिकुलर भगवान ने दिया गया शेप होता है आपके स्पाइन का, बिल्कुल सही शेप, थोड़ा सा एस तरह से एस शेप होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा कर्व है तो वो आपका, या एस तरह से कर्व है या फिर सीधा सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, स्काइफोसिस, स्कोलियोसिस। उस केस में फिर लोअर बैक पेन या एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर आना बिल्कुल वाजिब है। अगर कोई चीज स्टैक पे स्टैक खड़े करेंगे और उसको एक जगह से टेढ़ा टेढ़ा कर देंगे, मान लीजिए अगर आपने कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक खड़ा किया और वो बिल्कुल सीधी लाइन में सबसे अच्छे स्टेबल है, अगर एक इधर एक इधर एक इधर इधर होगी तो आराम से गिर सकते हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, जहां टेढ़ी हुई वहां गड़बड़ है, वहां अनस्टेबिलिटी है, वहां पर एक आधी जगह पे प्रेशर ज्यादा आएगा, टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, वहां पर डिस्क हर्निएशन हो सकता है। जब ऐसा होता है थोड़ा सा अलग एंगल, यही आप करते हो जब आप बैठते हो तो पोस्चर खराब करके बैठते हो। आप कैसे बैठते हो? आप सीधा नहीं बैठते जैसे आपको सीधा बैठना चाहिए, आप सीधा नहीं बैठते हो। आप कैसे बैठते हो? ऐसे बैठते हो या ऐसे बैठते हो, ऐसे नहीं बैठना है कभी। जब आप पीछे होके बैठ रहे हो तब आपने हमेशा सीधा बैठना है, तब आपने हमेशा आपके कंधे पीछे रख के हिप्स, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। और अगर आप सामने हो रहे हो तो सामने ऐसे कैसे जाना है? आमने सामने ऐसे नहीं जाना है, क्या बोलते हैं इसको, सामने ऐसे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाना है सामने, राइट। यू डोंट हैव टू कर्व योर स्पाइन एंड गो लाइक दिस, ओके, हेलो, यू हैव टू गो लाइक दिस, यू कैन गो इन फॉरवर्ड्स डायरेक्टली, राइट। सो देयर इज अ थिंग कि स्पाइन को जितना सीधा रखोगे उतना अच्छा है, खड़े होके भी सीधा रखेंगे, सीधा, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है स्पाइन को, नहीं, सीधा, ठीक है। और
उसको मोड़ा, खड़े हो गया ऐसा, सो दैट इज लाइक हम्प. वो हम्प सलमान खान क्या बोलते उसको, संजू बाबा बनके नहीं घूमना है, दैट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज ये पोस्चर मैटर करता है लंबे समय में. ये पोस्चर्स आपके लिगमेंट्स को, आपके स्पाइनल जो वहां पर डिस्क है, उस डिस्क को के अंदर बाहर पीछे जो कवरिंग है उसको वीक करता है. और एक बार फिर किसी दिन आपने एकदम से कोई भार उठाया, पक से वो बाहर निकल जाता है, डिस्क हर्निएट हो जाता है और वो सीधा बाहर क्या है, नसें हैं बाहर, नसों को दबा देता है, नस दबती है, सुनपना से लेके पेन तक, एक्सक्रूशिएटिंग वाला वो जो वर्ड है भैया, वो एक्सक्रूशिएटिंग वाला, बहुत पेन हो सकता है. नसों में दर्द जब होती है तो जोरदार होती है, फिर रुका नहीं जाता. राइट. सो लो बैक पेन का मोस्ट कॉमन रीजन है बैड पोस्चर. उसके बाद रीजन है आपका, दो मेन रीजन है जो क्रोनिक रीजन है, डिस्क हर्निएशन. राइट. जो डिस्क बोलते हैं, PVID, पेल्विक PIVD, पेल्विक इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन. ठीक है, प्रोलैप्स पेल्विक बोरा, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क. राइट, प्रोलैप्स्ड. कभी कभी ये टर्मिनोलॉजी रोज यूज नहीं करते ना, मिक्सअप हो जाती है. एनीवेज, कोई बात नहीं. फिर क्या बात आई, सेकेंड रीजन प्रोलैप्स नहीं है डिस्क में. मान लो प्रोलैप्स नहीं है, मान लो आप पोस्चर सही फॉलो करते हो, मान लो आप सही करते हो, लेकिन एक्सरसाइज करते समय आपने सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करी, आपने जिम में सही एक्सरसाइज नहीं करी, बार बार गलत एक्सरसाइज कर रही है, गलत पोस्चर में गलत प्रेशर पड़ रहा है, इंजरी होगी. उस इंजरी से बैक पेन हो सकता है. क्रोनिक इंजरीज इस तरह से होती है. राइट. एक्यूट इंजरी तो गिर गया कुछ गलती से, भर वजन गिर गया, एक गिर गया पक, अबे यार लग गई, वो अलग है. एक्यूट, क्रोनिक की बात हो रही है. क्रोनिक इंजरीज ऐसे होती है शॉर्ट, जो आपको नहीं दिखती. राइट. लगता वही है जो नहीं दिखता है, कि नहीं, पीठ पीछे हमला. सो क्रोनिक पेन से बचना जरूरी है. इसके अलावा थर्ड चीज है आर्थराइटिस. जी हाँ, आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी होता है इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर, पॉट स्पाइन. तो कई चीजें आपकी आर्थराइटिस बेसिकली हड्डी का इन्फ्लामेशन, हड्डी के जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन. तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो रहा है, जॉइंट ही खराब हो रहा है किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से, दैट इज वन रीजन. सो ये सारे कारण हो सकते हैं. कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, और क्रोनिक चोट भी लगी हो सकती है. प्लस बोन पेन का एक कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस. हड्डी में कैल्शियम मिनरल्स का डिपॉजिट जो होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस, वो ही कम है. दैट इज ऑल्सो वन रीजन. डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो वन रीजन जिसकी वजह से आपको बोन्स में, मसल्स में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, क्योंकि बैक में स्ट्रेन है, आप खड़े नहीं होते सही से, और प्लस आपके मसल्स में, आपके बॉडी में पानी नहीं है, दैट कैन कॉज डिहाइड्रेशन पेन. सो डिहाइड्रेशन, बोन मस्कुलर पेन कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन डी इज नीडेड, विटामिन डी बहुत जरूरी है आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए. कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन डी का तो कोई फायदा नहीं, कैल्शियम नहीं जाएगा आपके हड्डियों में, सारे हड्डी से कैल्शियम निकलता जाएगा. सीरम कैल्शियम नॉर्मल आ सकता है बिकॉज हड्डी में बहुत कैल्शियम है, हड्डी के अंदर से कैल्शियम निकलता जाएगा, हड्डी कमजोर. सो कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 बहुत जरूरी है आपके नसों के फंक्शन के लिए. नसों के ऊपर एक माइलिन शीट होती है, उसके ऊपर अगर B12 कम है, प्लस नसों में गलती से किसी ने कुछ दब गया, गलती से वहां दब रहा है, तो वो नस जल्दी खराब हो जाएगी, जल्दी सिम्टम आएंगे, जल्दी बीमारी बढ़ेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी. और इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम, अगर इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम, वो सब खराब है, दे आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स. सो प्लस स्ट्रेस है, प्लस ये सब फैक्टर है, प्लस ये सब में अगर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, सो इट विल कॉज अगेन मोर प्रॉब्लम्स. सो ये सब जितनी सारी बातें बताई ना, कई बार मल्टीफैक्टोरल होता है, एक चीज नहीं, मल्टीपल चीज. प्रोलैप्स डिस्क भी है, डिहाइड्रेटेड भी हो, कैल्शियम भी कम है, हड्डी भी कमजोर है, जय हो, प्लस देखा जाए आर्थराइटिस भी हो गया, लो जी अब क्या करें. जी हाँ, ऐसा होता है. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फाइंड द कंप्लीट पिक्चर. और यही काम फिर ऑर्थोपेडिशियन करते हैं, ज्यादातर लोगों को बताते नहीं कि आप कर रहे हैं, लेकिन करते हैं. राइट. और यही सब करना चाहिए, हर एक एंगल से देखना चाहिए कि लो बैक पेन क्यों हो रहा है. राइट. कई बार इससे होता है, कई बार रेफर्ड पेन होता है, रेफर्ड पेन, गॉल ब्लैडर का पेन शोल्डर में जा सकता है, टेस्टिस का पेन शोल्डर में जा सकता है. राइट. बैक में, शोल्डर में. राइट. दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट. राइट. ये हुई बात लो बैक पेन की. अगर आपको लो बैक पेन है तो इन लाइन पे आगे बढ़िए. आप अपने टेस्ट कराएंगे. टेस्ट नंबर 1, एक्सरे कराएंगे. एक्सरे में आपको स्पाइन का स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी मोटा मोटा दिखेगा कि हड्डी में कोई मेजर अबनॉर्मलिटी नहीं है. वहीं गड़बड़ दिख गई तो बात खत्म. फिर आगे बात आती है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, CBC कराओ, ESR कराओ, CRP कराओ, रूमेटॉइड फैक्टर कराओ, ASO टाइटर कराओ,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, थायराइड फंक्शन, थायराइड से भी होता है, खून की कमी से भी होता है। क्यों होगा खून की कमी से? अरे खून की कमी से सब दुखता है। मान लो आपके शरीर में खून की कमी है और आपको लो बैक में थोड़ा सा थोड़ा बहुत पेन होना था जो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन बिकॉज आपको खून की कमी है वो ज्यादा महसूस होगा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, हर चीज। चलो अब नया सवाल देखते हैं, आप आपके सवालों के जवाब देते हैं। उपसी उपसी त्रुपसी, आवाज आवाज कम करो डॉक्टर साहब, हम आपका सुन रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर बात आएगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं जाने की पहले सवाल पे हम इस पे जा क्यों नहीं पा रहे हैं, इसमें जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहले सवाल तक पहुँच जाएं, ओके, वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ मिस्टर विक्की, और एक सेकेंड रुकना। चलो देखते हैं। सत श्री अकाल अक्षय जी का सवाल, का प्रोटीन इंटेक बताएं 2:1 टू गेन वेट मॉडरेट एक्सरसाइज बट वेट बढ़ने की जगह ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए। अच्छा बढ़ गए 350:21। कार्ब प्रोटीन इंटेक बढ़ाया 2:1 टू गेन वेट। देखिए आपको अपनी कैलोरीज बढ़ानी है, ठीक है। अब आकर आपने 500 कैलोरीज की जगह 1000 कैलोरीज बढ़ा दिया, 2:1 तो रेशियो है, 2:1 तो रेशियो है। आपको मान लीजिए आपको 10 ग्राम प्रोटीन बढ़ाना था और 10 और 20 ग्राम कार्ब बढ़ाना था, आपने 10 की जगह 20 ग्राम बढ़ा दिया, 40 ग्राम बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली आपका वेट बहुत ज़्यादा मात्रा में इमीडिएटली तो नहीं बढ़ता है, एक टाइम लगता है, बॉडी के अंदर फैट बनने को भी टाइम लगता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स आपके ब्लड में ज़रूर घूमेंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होंगी, राइट। सो एकदम से इसको कभी नहीं लेना चाहिए, आपने एक हाई कैलोरी डाइट लेनी है। कैलोरीज को 500 कैलोरीज बढ़ाओ, जो भी कैलोरी आप ले रहे हो उसको 500 कैलोरीज बढ़ाओ। उसका मतलब क्या, 500 कैलोरीज को अगर आप डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 4, क्योंकि कार्ब्स में प्रोटीन्स में कितनी कैलोरीज है, 4 ग्राम में 4 कैलोरीज है, तो 500 कैलोरीज को 4 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125। सो 125 ग्राम टोटल आपने बढ़ाना है, चाहे वो कार्ब होता चाहे वो ये होता, वो ये प्रोटीन होता है ना, 125 हो रहा आई थिंक, यस। सो आपने प्रोटीन कितना बढ़ाना चाहिए था, आपने अपना लास्ट प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए था, यानी उसमें फैट भी आएगा थोड़ा बहुत, तो मान के चलो कि आपने 20-25 to 30 ग्राम्स प्रोटीन बढ़ाना चाहिए था, 70 ग्राम्स के आसपास कार्ब बढ़ाना चाहिए था और बाकी का 20-25 ग्राम्स आपका फैट बढ़ जाता। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। आपने अगर ज़्यादा कम बढ़ा दिया होगा, उतना नहीं बढ़ाया होगा, तो भी फिर प्रॉपर वजन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगेन गर्मी में आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और कई बार ये होता है कि आपके अंदर से डिहाइड्रेशन, पानी कम हो जाता है, पानी इज अ बिग फैक्टर, फिर आपको लगता है कि वजन नहीं बढ़ा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, सिर्फ शरीर से पानी कम हो गया, अंदर फैट जरूर बढ़ा है, अंदर प्रोटीन जरूर बढ़ा है, अगर मास जरूर बढ़ा है। तो वेट इज नॉट एक्चुअली द क्राइटेरिया, वजन इज नॉट, वजन देख के हम नहीं बोल सकते कि हाँ आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ओके, रिमेंबर दैट ऑलवेज। अरे भाई साहब, पेन इन ट्रैप्स ट्रेपेजियस, ट्रैप्स इज स्ट्रेस, मोस्ट प्रोबेबली पेन इन ट्रैप्स इज अगेन स्ट्रेस, पोस्चर, रिलैक्सेशन, मसाज करिए, मसाज से ठीक हो जाएगा, रिलैक्स, मजा आता है ना वैसा वाला। पेन इन ट्रैप्स मोस्ट कॉमनली दिस। इंफ्रारेड स्टोव एंड इंडक्शन स्टोव इज गुड, फू, इंफ्रारेड स्टोव्स आर नॉट सो गुड, इंडक्शन इज ओके, इंडक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्या बीपी की मेडिसिन या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से वेट गेन होता है? नॉर्मली नहीं होता, बीपी की मेडिसिन या कैल्शियम सप्लीमेंट से वेट गेन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। पत्थरों का दर्द, पट्ठों का दर्द, राजा जी अभी आपने एक पूछा ना, ट्रैप्स में भी दर्द है आपको, पट्ठों में भी दर्द है, और भी बता दो कितने दर्द है, खून की कमी है, डिहाइड्रेशन है, या वीकनेस है, क्या है आपको, पट्ठों में भी दर्द है, ट्रैप्स में भी दर्द है, भैया क्या करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, या तो बहुत ओवर एग्जर्शन है, ओवर एग्जर्शन से भी स्ट्रेस से भी दर्द होता है कई बार बैक में। एक और बात बता देते हैं, ठीक है, एक्ने क्रीम दिन में कितनी बार लगा सकता हूँ? एक ही बार, रात को सोते समय लगाना है, एक्ने क्रीम लगा के बाहर नहीं जाना है,
एक्नी प्रिवेंशन वाली क्रीम, एक्नी ट्रीटमेंट क्रीम दो तीन बार लगा सकते हो, पर लगा के बाहर धूप में नहीं जाना। मामा जी एच एस हैज बैक पेन सिंस 10 ईयर बट नो इफेक्ट टेकन, नो इफेक्ट टेकन मेडिसिन देन एवरीथिंग बट नो रिलीफ। व्हाट डू यू मीन बाय नो इफेक्ट? आप डायग्नोसिस बताओ। अभी मैंने आपको इतने सारे डायग्नोसिस बताए, डू यू नो क्यों होता है उनको बैक पेन? अगर आपको नहीं पता उनको बैक पेन क्यों होता है, देन डू द टेस्ट, जाके डॉक्टर से बात करो। भाई साहब एजुकेशन का मतलब क्या है? सॉरी माधवी जी नहीं, क्या नाम है इनका, असीम शर्मा जी, असीम जी, एजुकेशन का मतलब क्या अगर आपको समझ में ना आए या आपको ज्ञान, आपको पता ना चले कि आगे क्या करना है, आपको पता करना है कि उनके इसमें ये सब में से क्या प्रॉब्लम है, पता चल जाए देन वी कैन थिंक कि इसके लिए ये ट्रीटमेंट काम नहीं किया, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है। अभी तो पता ही नहीं है 10 में से कौन सा कारण है, राइट? नहीं तो आप बोलते ना कि मामा जी को डिस्क हर्निएशन है सर, मामा जी को आर्थराइटिस है सर, उनका विटामिन की कमी है। एनीवेज मैसेज डिलीटेड बाय, अरे यार मेरे हाथ से मैसेज डिलीट हो गया योगेंद्र जी का, ये क्या हो गया? सॉरी शायद यहाँ से दब गया होगा, क्षमा चाहते हैं सर। क्या लास्ट फैट बर्न, क्या लस्सी फैट बर्न करते हैं? व्हाट लस्सी फैट बर्न? ऐसी चीजें ना सिर्फ यूट्यूब के वीडियो में लोग बोलते हैं कि आप बोलोगे क्या बोल दिया आपने, ऐसी चीज की पूछो मत, वट एवर इट इज, राइट? ऐसे कुछ नहीं होता, लस्सी फैट बर्न नहीं करती है, लस्सी लस्सी है, दूध पियो लस्सी पियो, उसकी लस्सी बना लो, दही बना लो, लस्सी बना लो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। उसमें कितना, उसमें उल्टा आपका कैलोरीज हो सकती है, तो आपको कैलोरीज बैलेंस करनी होगी कि, लेकिन लस्सी इज गुड बट शक्कर ना डालो तो बेहतर है। राइट सर, आपने बताया प्रोटीन चेंज कर करके लेना है, प्लस टिल में कैसे चेंज करके? एवरी मील डेली वीकली या मंथली? एवरी मील इज अ मच बेटर थिंग, डेली मंथली नहीं है, वो लोग ऐसी सोचने लग जाते हैं, एवरी मील इज द मेन थिंग। एवरी मील अगर चेंज करोगे हर रोज, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी आए लोग ऐसा है, 20 अंडे रोज खा रहे हैं, 20 अंडे रोज। मैंने कहा भाई क्यों मजा आ रहा है 20 अंडे? नहीं सर खा रहे मजबूरी है ना, मजा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं पसंद। मैंने कहा क्यों, थोड़ा सा मिक्स करो ना यार, थोड़ा मिक्स करो, कभी चिकन खा लो, खाते हो चिकन? हाँ खाते हैं, तो खाओ फिर, रोज खा लो, कुछ नहीं होता, गर्मी में भी खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी पीना है बस, इन्वायरमेंट सही होना चाहिए और कुछ नहीं, राइट? एवरी मील, कितनी बार लिखा हमें जी, एक बार लिखते सर। जिस तरह ऑयल खाने से फैट को रूप में स्टोर हो जाता है, वैसे क्या ऑयल मसाज से भी स्टोर? और क्या नवरत्न ऑयल से लगा सकते हैं? नवरत्न ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल मसाज से ना के बराबर ऑयल आपके स्टोर होता है, लेकिन जी हाँ ऑयल मसाज से ऑयल थोड़ा सा ऑयल जरूर एब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, जीरो ऑयल तो नहीं एब्जॉर्ब होता, लेकिन हो सकता है आपके स्किन में होगा एब्जॉर्ब, धीरे धीरे, ब्लड में नहीं जाएगा, स्किन में होगा एब्जॉर्ब और कहीं नहीं। हाँ मैं भी थोड़ा इसको ऊपर किया तो हम सीधा बैठ पाए, मैं कहा यार हमें अपनी कंसर्न सोचनी पड़ती है, स्पाइन ना खराब हो जाए, है कि नहीं, लोअर बैक पर ना हो जाए, है कि नहीं, कई चीज़ें खड़े होकर करनी पड़ती हैं, कई चीज़ें बैठ के करनी पड़ती है, बताओ, दुनिया में आए हैं तो करना तो पड़ेगा। उसके बाद का सवाल है सरार, फिर वही चीज, एक ही सवाल अमित जी, दो तीन बार बहुत है, ये क्या लाइन लगा रखी है? हेलो सर, होल लेफ्ट साइड बॉडी पेन हेड टू टो चेस्ट में ज्यादा होता है, परमानेंट रहता है, ऑल टेस्ट सीटी एनजियो एमआर एनजियो ब्रेन आर नॉर्मल, B12 चेक किया, विटामिन डी चेक किया, पानी बढ़ाया, एक्सरसाइज किया, रेस्ट देखा, रात को कितना सोते हो देखा, स्ट्रेस देखा, बॉडी की मसाज कराई, सब ट्राई करो ओके? मतलब अमित जी 10 नहीं कम से कम 25 बार एक ही सवाल लिखने के बाद आप ये भी लिखोगे कि मेरा क्वेश्चन लेना जरूर। चलो कोई नहीं, ऑलराइट। हेलो दीपक, दीपराज जी, सुमित पांडे, इज इट ओके टू स्लीप फॉर 5 hours एट नाइट बिकॉज आई कांट स्लीप इजीली एट नाइट? और हाँ टैन, सुमित पांडे जी, टैन पे वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। जी इट्स नॉट ओके टू स्लीप 5 hours एट नाइट और डेली बेसिस, एक खादी बार 5 घंटे सोए हो तो अभी खुला रहेगा फ्रिज, राइट? इट्स नॉट ओके के 5 hours एट नाइट आप सिर्फ सोएंगे, एक आध दिन सो गए तो कुछ नहीं होता, लेकिन रेगुलरली अगर आप सिर्फ 5 घंटे सोएंगे दिस विल कॉज अ प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट साउंड्स। राइट, सीन अ फ्यू पेड क्वेश्चंस आल्सो, थैंक यू फॉर दैट, अभी हम आएंगे उस पर। और
ओके, एक आधा सवाल देख लें, 10 सवाल हो गए होंगे तो नीचे जाते हैं। राइट, उसके बाद गायने, सॉरी, ओके, मल्टीपल पेस्ट हो गया, चलो सॉरी बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। गायनेकोमास्टिया खा से कराऊ, कहीं से भी कराऊ, कोई भी सर्जन करता है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है वो, अगर ऑपरेट करना है। सर, लिवर में ALT लेवल क्यों इंक्रीज होता है नॉर्मल? इस पे एक डिटेल वीडियो आने वाला है थोड़े ही दिनों में, प्लीज सजेस्ट गुड हॉस्पिटल। कोई भी हॉस्पिटल, सर्जन, हॉस्पिटल ज्यादा मैटर नहीं करता, सर्जन ज्यादा मैटर करता है भैया। अगर हॉस्पिटल अच्छा भी हो और सर्जन खराब हो तो क्या कर लोगे यार? मुझे अपना बॉडी बढ़ाना है सर, कोई ऑयल बता दें। अच्छा, बॉडी बनाना है, ऑयल बता दे, ऑयल लगाने से बॉडी बन जाएगी? ऐसे ऐसे नहीं बनेगी बॉडी, ऑयल बनाने, ऑयल लगाने से बॉडी नहीं बनती है जनाब, ऑयल लगाने से बॉडी रिलैक्स होती है। ये सब क्या है, कितने कितने उल्टे सीधे चीजें चल रही दुनिया में कि ऑयल लगाने से बॉडी बन जाती है। नमस्कार, जेंथिलेस्मा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, बिल्कुल ठीक है। जेंथिलेस्मा मतलब यहाँ पे आँख के आसपास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, के बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए, क्या ये क्यूरेबल है? देखिए, कई बार डिपॉजिट हो जाता है, इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव इट, अगर आपका वो एक साइन है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो सकते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, उसको कम करना है, बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट के रिस्क हो सकते हैं। राइट, तो ये हुई बातें। नीरज जी का एक सवाल है, रिपीट सवाल, सर्वे का प्रॉब्लम है बैक, अपर बैक एंड लोअर बैक, व्हाट प्रिकॉशंस है? सर्वाइकल प्रॉब्लम, अपर बैक एंड लोअर बैक, व्हाट प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट, हाउ मच टाइम टू रिकवर? अगेन, सर्वाइकल स्पाइन इज दिस मच, नेक की 7 वर्टिब्रा, लोअर बैक इज लंबर स्पाइन, अपर बैक इज थोरैसिक स्पाइन। अगर आपको ऊपर से नीचे सब जगह प्रॉब्लम है, देन इट्स पॉसिबल या तो आपको आर्थराइटिस है, या तो आपको जो कॉमन चीज़ें हैं विटामिन डेफिशिएंसीज वो है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, राइट? और या तो कई बार ये होता है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, बिकॉज ऑफ बहुत ही ज़्यादा बैड पोस्चर, बिकॉज ऑफ बोन डेफिशिएंसी, आपके बोन डिस्क हर्नियेट भी हो, जैसे मैंने कहा मल्टीपल चीज़ें। सो अगेन, वर्क ऑन ऑल दीज फैक्टर जो मैंने पहले 5-10 मिनट में बताई है, उन सब पे काम करेंगे तो ही वो ठीक होगा, और इसका ड्यूरेशन कुछ नहीं। अगर आप नहीं काम करोगे, सही पोस्चर नहीं मेंटेन करोगे, कईयों का कभी ठीक नहीं होता, और कईयों का टेम्पररी भी ठीक होता है, कुछ दिन सही रह गए टेम्पररी ठीक, कुछ दिन फिजियोथेरेपी करा रही टेम्पररी थी, कुछ दिन दवा खाली टेम्पररी ठीक, फिर खराब। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? दिस इज लाइक आपके स्तंभ, अगर आप अपने स्तंभ सही नहीं रखोगे, आपके बीच के स्पाइन सही नहीं रखोगे तो गड़बड़ तो होगी होगी, राइट? ओके, एक्टोपिक हार्ट बीट्स और एंजाइटी डिसऑर्डर रिलेटेड नहीं होते हैं, बट एक्टोपिक हार्ट बीट आ रही है तो आपको एंजाइटी बीच में हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट। एंजाइटी एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, बट दोनों साथ में प्रेजेंट हो सकती है कई लोगों में, बट दोनों अलग अलग भी हो सकती है। ऑलराइट, अभी इसमें से देख लेते हैं, एक और सवाल आया है, गॉट रिब्स ब्रोकन, ओके, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, अनएबल टू वॉक, ओके, रिब्स ब्रोकन, ब्रोकन है तो सांस लेने में भी दर्द होता होगा, बट एनी वेज वो थोड़े दिन की बात है, डोंट वरी अबाउट इट, एंड डोंट वरी, इसमें कुछ नहीं, आपको रिब्स को वो बांध के रखते हैं कि रिब्स में दिक्कत ना हो, दैट इज़ वन थिंग, स्टेबलाइज करके रखते हैं, बताते हैं आपको ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उस तरफ लेटना, इस तरफ नहीं लेटना, और पेन किलर से लेके कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 सब कुछ देते हैं, खाओ खाओ खाओ, और वॉक करना तो डॉक्टर से पूछ के ही करेंगे आप। गॉल स्टोन के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए फुल डिटेल वीडियो है हमारा, उसके लिए आप एक उर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, यूडीलिव की दवा ज़रूर अपने रेगुलर खाइएगा, बाकी गॉल ब्लैडर का आगे क्या होगा ये समय बताएगा। उसको जानने के लिए गॉल ब्लैडर का नीचे लिंक है, GB स्टोन्स या GB का, उसको जरूर देखिए। ऑलराइट, हाँ, नेक्स्ट सवाल। ऑलराइट सर, शुगर भी है एंड प्रॉब्लम ऑफ ED इन 15 days, शुगर से ED की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर कंट्रोल करिए। यूरिन में झाग क्यों आता है? यूरिन में झाग आ सकता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर प्रॉब्लम, सो झाग आता है तो यूरिन के टेस्ट कराइए, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। सर अमर जी फिर से लिखो सवाल नीचे, फिर से लिखो। अमित कुमार, अमर तयाल, सर RVH राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रिपोलराइजेशन ही क्या करूँ?
आरवीएच में रिपोलराइजेशन कुछ नहीं करना है आपको, इको करवाना है, इको ठीक है तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, नथिंग हैज टू बी डन, वाइटल्स चेक होंगी, आपको चेक होगा, इस केस में चेकअप करे बगैर बताना मुश्किल है। और पेट सवाल आए हैं, पेट देख लेते हैं का आया है। सुपर चैट, सुपर 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 चैट, सुपर चैट करना सीखिए, सवाल का जवाब 100% पाइए। ऑलराइट, सेजल जी, सेजल जी का सवाल है, सर आई डिड फुल बॉडी चेक डिसंबर, टीएसएच 1.83, ओके, T3 T4 वॉज नॉर्मल, इज नॉर्मल टुडे, आई डिड इन मे, T3 T4 इज नॉर्मल एंड TSH इज 4.92, शुड आई रीटेस्ट? नो, यू डोंट नीड टू रीटेस्ट, 4.92 इज ऑल्सो इन द नॉर्मल रेंज। कई बार ये हो जाता है कि आपका जो ब्लड लिया है उसमें उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं आया, देर कैन बी एरर ऑफ टेकिंग द ब्लड, देर कैन बी एरर इन द मशीन, देर कैन बी मेनी एरर्स, अल्टीमेटली वो नॉर्मल रेंज के आस के अंदर आया है, वो भी ये भी, तो कुछ नहीं करना है, 5 के आसपास नॉर्मल रेंज होती है, 5 point something। सो इस केस में इवन इफ और नॉर्मल रेंज के 1-2 point आगे है, बाहर है, तो भी दवा नहीं लेना है। येस, बट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आयोडीन, आयोडीन रिच डाइट लो, आयोडीन रिच डाइट, आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट, आयरन, सेलेनियम, राइट, इट्स देयर उसमें, ठीक है। डूज एंड डोंट बिफोर टैटू ऑन बॉडी, वेटिंग फॉर वीडियो, ऐसा भी बनाना पड़ेगा, चलो बनाएंगे बनाएंगे, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, बट उसके कई सारे डूज एंड डोंट्स तो लोगों को पता ही है, अच्छी जगह से कराओ, डोंट यूज री यूज नीडल्स, बाकी येस टैटूज कैन कॉज प्रॉब्लम्स, रिएक्शंस टू द स्किन एंड ऑल, तो एक बार टेस्ट जरूर कर लो, आर यू दिस थिंग डाई एलर्जीज विच इज देयर। लाइपोमा ट्रीटमेंट इज एक्सीजन, एक्सीजन एंड ओनली एक्सीजन। और व्हाट इज हंचबैक पोस्चर, हंचबैक पोस्चर मैंने समझा चुका हूँ आपको, ऐसे करके ऐसे होता है हंचबैक पोस्चर, थैंक यू, ओके। मदर को कोरोना रेडिएटा में इन्फार्क्ट है मेनिनजाइटिस के बाद, सी इन्फार्क्ट इज अ डेंजरस थिंग एंड इस केस में उनको ब्लड थिनर्स चलेगा आफ्टर गेटिंग प्रॉपरली ट्रीटेड फॉर मेनिनजाइटिस। ब्लड थिनर्स में डिपेंड करेगा कि कितना रिकवर होता है कितना नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट से रेगुलर दिखाना पड़ेगा, इवन न्यूरोलॉजिस्ट अभी नहीं बता सकेंगे कि कितना रिकवर करेगा, बट डन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, आगे क्या होगा। एंजाइटी रिलेटेड फेसल हाइड्रो ग्लाइकोपाइरेट मे हेल्प, कैन हेल्प, यू कैन ट्राई इट। इसोफेजाइटिस के लिए PPI एंड H2 ब्लॉकर ट्राई किया बट नॉट गेटिंग बेटर, गेट अ एंडोस्कोपी कराइए, एच पाइलोरी के लिए टेस्ट कराइए, एच पाइलोरी जहाँ पॉजिटिव आएगा तो उसका ट्रीटमेंट होगा और फिर आप ठीक होंगे। हेयर रिमूवल फ्रॉम लेजर आर सेफ, येस दे आर सेफ, बट यू कैन हैव सम रिएक्शंस, राइट, स्किन रिएक्शंस, डार्कनिंग कभी कभी हो सकती है, मेलेस्मास आ सकते हैं, सो उसके लिए आप, इसीलिए मल्टीपल सेशंस होते हैं, मल्टीपल सेशंस के बीच में अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको डॉक्टर से, वही डर्मेटोलॉजिस्ट से कराना है, फालतू लोगों से नहीं कराना, अनट्रेन लोगों से नहीं कराना, डर्मेटोलॉजिस्ट से कराना है, राइट। आजकल क्या है, मशीन लेके कोई भी बैठ सकता है, मशीन लेके तो कोई बैठ सकता है, लेकिन उनको नहीं पता चलेगा आपका स्किन कहाँ डैमेज हुआ कहाँ नहीं हुआ, राइट, दैट्स व्हाई अ स्पेशलिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट। फील्स लाइक बोन डेंसिटी डिक्रीजिंग एज 28, फील्स नहीं होता है, टेस्ट करो, बोन स्कैन करो, बोन मिनरल डेंसिटी करो, डेक्सा स्कैन करो, उसी उसमें से कुछ ना कुछ में इसी में से पता चलेगा बोन डेंसिटी है कि नहीं है। करेक्ट वे ऑफ सिटिंग, करेक्ट वे ऑफ सिटिंग के लिए योर लेग शुड बी क्या बोलते है? मैंने एक पोस्चर वाला वीडियो बनाया हुआ है, लेग्स शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, इसलिए सीट की हाइट आपको वो करनी है, लेग्स यानी थाइज, थाइज आपकी ग्राउंड से पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, राइट, दिस शुड बी देयर एंड द फुट शुड बी लाइक दिस, ऐसा, राइट, परपेंडिकुलर, उसके बाद आप होने चाहिए, आप होने चाहिए उसके साथ परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, ये है आपका करेक्ट सिटिंग पोस्चर, राइट, उसको आपने गलत नहीं, उसमें आपने जब ऐसे बैठे हो उसमें ऐसे नहीं बैठना है, वो इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल पीछे होके ऐसे नहीं बैठना है, आपने सीधा होके बैठना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, झुकते हैं आगे तो ऐसे झुकना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब इस केस में आपके कंधे होने चाहिए आइडियली, या तो साइड में या पीछे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन जस्ट रिलैक्स देम लाइक दिस ऑल्सो, दैट इज ओके, डोंट वरी अबाउट कि मुझे अपना चीना तानना है, एनीवे दैट वो सब बकवास चीज होती है, लोग करते भी हैं। एनी मोर पेड क्वेश्चंस, जाने का टाइम हो गया दोस्तों, कुछ है देख लेता हूँ जाते समय। So we have answered the 3 paid questions, we have answered many questions. Test required for excessive upper body sweating in regular life. No test. There is no test for this. Endocrinologist is the person you should go for. H. pylori is positive since a year ago. Gastro is saying not to treat. He is saying it's common. It's common kya hota hai? Treat karna padta hai. Common to hai but treatment try to karoge na. Varna hota rahega ye. Common bilkul hai. Common to bahut hai. Tabhi to keh rahe hain hum karao test. ट्रीट करना पड़े, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। पर्सनल हाइजीन के बारे में, ओके विल ट्राई। एसआई जॉइंट प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा?
लेट मी जस्ट रिमेंबर, एस आई कौन सा जॉइंट की बात कर रहे हो? एस आई सैक्रो इलियाइक जॉइंट, ओके। सैक्रो इलियाइक जॉइंट में क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम है? सैक्रो इलियाइक जॉइंट में नॉर्मली तो पेन हो सकता है बैठने पे, वो आपको डॉक्टर ने बताया होगा। अब प्रॉब्लम में आर्थराइटिस है जॉइंट में, क्या इशू है? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक कैसे होगा? बिफोर दैट वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, पेन इन स्टैंडिंग इज एन इशू। पेन इन स्टैंडिंग इज नर्व कंप्रेशन, इज नर्व कंप्रेशन, इज समटाइम्स मस्कुलर स्पाजम्स, इज समटाइम्स मसल वीकनेस। मसल में भी गड़बड़ है तो स्टैंडिंग में मसल्स जो यूज होती हैं दैट कैन कॉज पेन, राइट? नसें दब रही हो, सो अगेन मेरे आप सबसे वही दरख्वास्त है कि व्हेन यू वांट टू नो समथिंग गो टू द डेप्थ्स ऑफ इट, राइट? ट्राई टू गो टू द डेप्थ्स, राइट? अपना ट्रीटमेंट, अपना एमआरआई, अपना एक्सरे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाट आर यू गेटिंग ट्रीटेड फॉर, राइट? है कि नहीं? मे बी वी आर नॉट लुकिंग एट द डायरेक्शन वेयर द प्रॉब्लम इज, है ना? डायरेक्शन ही नहीं, प्रॉब्लम पकड़ोगे नहीं तो ठीक कैसे होगी, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट लो बैक पेन एंड